आज मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस महाराष्ट्र एमपीजे ग्राहक दिवस के अवसर पर सरकार से हमारी कुछ डिमांड है, वो पीडीएस को लेकर है। स्वास्थ्य धन्य जो हमारे गोर गरीब जनता के लिए सरकार बांटती है, तो 2013 में जो नियम बनाया गया था उसके लिए सरकार ने क्राइटेरिया बनाया था कि शहरी विभाग में 59,000 जिसकी इनकम होगी उसको ये अनाज मिलेगा और ग्रामीण के अंदर 44,000 होगा उसको अनाज मिलेगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं, इतने में गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए हम सरकार से चाहते हैं कि सबसे पहले वो 1,30,000 का क्राइटेरिया तय करें। दूसरी बात यह है कि शहरी विभाग के अंदर 50% लोगों को अनाज देने का तय किया गया था और इसी तरह ग्रामीण के अंदर 75% देने का तय किया गया था। हम ये चाहते हैं कि इसको बढ़ाना चाहिए। शहरी विभाग के अंदर चूँकि देहात से लोग आ गए हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लम बस्तियाँ बस गई है, झोपड़ियाँ बसी है, गोर गरीब जनता की तादाद बढ़ गई है, कोरोना की वजह से लोगों के रोज़गार चले गए हैं, इसलिए सरकार को इसका कोटा बढ़ाकर देना चाहिए। तीसरा एमपीजे का डिमांड ये है कि जो इसकी इज्जत की ज़िंदगी मिलनी चाहिए, खाने के लिए उसको खाना मिलना चाहिए, ज़िंदगी इज्जत से जीना चाहिए, जो हमारा संविधान कहता है, इसके लिए हम ये कहते हैं कि सरकार ने उसको वो सारी फैसिलिटी देनी चाहिए जो उसके इज्जत के साथ अपना जीवन बिता सके, खाना खा सके। सरकार जो अभी नीति बनाने जा रही है कि धान्य एवजी पैसा, अनाज के बदले पैसा देना चाहती है, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस ये कहती है कि उसको अनाज ही देना चाहिए, अगर उसको पैसा दिया गया तो खाने के लिए वो पूरेगा भी नहीं और ना ही वो पैसा उनके खाने में आएगा, बल्कि अगर उसके घर वालों को किसी शोषण की आदत लगी हुई है या नशे की लत लगी हुई है तो पैसा उस पर चला जाएगा। इसलिए मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस आज इस ग्राहक दिवस के अवसर पर सरकार से ये 3 डिमांड हमने रखे हैं। उम्मीद है कि सरकार हमारी इस बात को मानेगी।